जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सपना सपना क्या होता है। हमारे जीवन में यह एक बहुत बड़ी समस्या या इसी को बोले अपना सफल होने का एक जरिया, ये दोनों बोल सकते हैं। यह समस्या या जरिया सफल होने का सपना हर एक इंसान के पास, हर एक व्यक्ति के पास एक ना एक सपना, छोटा या बड़ा, हर व्यक्ति के पास है, जो इसी के आशे जीता है और इसी के आशे अपना काम करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का छोटा या बड़ा एक सपना है कि मैं इसे साकार करूंगा अपने लाइफ में, इसी के लिए मैं काम करता हूं और इसी के लिए मैं जीता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको पूरा करने में मैं अपना जान लगा दूंगा, ये है सपना। जैसे एक उदाहरण ले लूँ, एक स्टूडेंट बोलता है मुझे एक IAS ऑफिसर बोलता है, लेरुआ कर बोल रहा है मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। क्या वो बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके बोली में यानी वर्ड में बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर उसी बोल उसी आवाज़ को अगर बोले मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए मैं बनकर रहूंगा, तो वो ज़रूर बन सकता है, क्योंकि उसके आवाज़ में दम है। ये होता है सपना। अगर मैं सपना का एक और नाम दूँ, लक्ष्य, लक्ष्य बेहतर रहेगा, सपना से कहीं बेहतर रहेगा लक्ष्य। लेकिन सपना, हम लोग रात को भी सोते हैं तो वो हमें दिखाई देती है सपना, और नींद में वो सपना गायब हो जाती है, सुबह में अगर जागते भी है तो सपना दिमाग से ख़त्म हो जाती है, उतर जाती है। लेकिन एक ऐसा सपना जो अगर सोए भी तो वो सपना हमें सोने नहीं दे, ऐसा होता है सपना लक्ष्य, जिसे इंसान को सोने भी ना दे, और उसके पीछे अपना दिन रात मेहनत करके उस सपने को साकार करने में, लोगों को बताने में कि मैं ये कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, अगर ठान लो तो ये मुमकिन जरूर है। तो सपना का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्य, सपना का दूसरा नाम लक्ष्य के पीछे भागे, ताकि वो अपने जिंदगी में कामयाब हो सके। क्योंकि लक्ष्य, जिसके पास अगर लक्ष्य है वो निश्चित रूप से कभी ना कभी वहाँ पे पहुँच ही सकता है। अगर जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो सपना 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 करते करते चला जाएगा इस दुनिया से। क्योंकि सपना आता है और चला जाता है, लेकिन अगर लक्ष्य आपके पास है तो वाकर वो जा नहीं सकता। मेरा सपना था मैं हवाई जहाज में उड़ूंगा, होता है ऐसा? लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को बोलूं, मेरा लक्ष्य है मैं हवाई जहाज में उड़ कर रहूंगा किसी भी कीमत पे, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, उसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज में उड़कर रहूंगा। ये लक्ष्य है जो इंसान को कोई भी काम करने के लिए उत्सुकता बढ़ाता है, और इंसान उस काम को करने के लिए अपना दिन रात इकट्ठा करके काम करता है, मेहनत एकदम उसमें भी जाता है। लेकिन अगर सपना है तो समझो कि नींद की तरह सो करके सोते हैं, सोचते हैं और वो ख़त्म हो जाती है। हम लोगों को सपना नहीं सोचना है, लक्ष्य सोचना है, और अपने सोच को आगे बढ़ाना है, बड़ी बड़ी सोच रखना है, छोटी छोटी सोच नहीं रखना है। क्योंकि एक उदाहरण है, अगर मानो तो 10 ताला मकान है, अगर मुझे 8 ताला को छूना है, एक मतलब पत्थर लेना है और उसको हमको छूना है, 10 ताले को हम अपने ऊंचाई तक उस पत्थर को फेंकना चाहते हैं 8 ताला तक। लेकिन अगर 8 ताला तक हम नहीं फेंक पाते हैं तो निश्चित है 5, 6, 4, 2 उतना तो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं वहाँ तक भी सोच ना रखूँ, अगर फेंकने का ही ताकत ना रखूँ, क्या छू पाऊँगा उसको? छू पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अपने सोच को बेहतर बना कर रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी नीयत से काम करें, और सपना के पीछे नहीं बल्कि लक्ष्य के पीछे भागे। सपना आती और जाती है, लेकिन लक्ष्य जब एक बार दिमाग में बैठ गया तो दोबारा कभी नहीं जाएगा। लक्ष्य के पीछे भागिए, समय पे काम कीजिए, निरंतरन काम कीजिए, धैर्य बनाकर रखिए और मेहनत से काम कीजिए, निश्चित रूप से सपना पीछे रह जाएगी और लक्ष्य आगे चला जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें।